तो अमेजॉन इंडिया के 2% कमीशन प्लान में बहुत सारे चेंजेस के बाद फ्लिपकार्ट कहाँ पीछे रहने वाला था। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने भी अपने 2% कमीशन प्लान या 0% कमीशन प्लान में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं और अब आपको ये सारे चेंजेस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अब आपको कहाँ पे 0% कमीशन देना है और कहाँ पे आपको फुल कमीशन देना है, तो आप इनकरेक्ट सेल प्राइस डिक्लेयर करेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान होगा। क्योंकि आप सबको मालूम है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये एक दूसरे से इतना कंपटीशन रखते हैं कि अगर अमेजॉन कोई नोटिफिकेशन देता है तो एक दो दिन पहले या बाद फ्लिपकार्ट भी उसी तरीके का नोटिफिकेशन देता है। हाल में ही आपने देखा था कि अमेजॉन ने अपने 2% कमीशन प्लान या रेफरल फी प्लान में बहुत सारे चेंजेस किए, और कहने को तो जो नोटिफिकेशन आया अमेजॉन सेलर सेंट्रल में वो तो काफ़ी पॉजिटिव लिखा हुआ था सेलर्स के लिए। उसको देख के लग रहा था कि शायद अब आगे भी 2% कमीशन अमेजॉन कंटिन्यू करेगा और 1,000 रुपये के ऊपर के आइटम पे भी वो 2% कमीशन लेने वाला है। लेकिन जब वहाँ पे लोगों ने देखा तो ये पाया कि अमेजॉन ने बहुत सारी मेजर कैटेगरीज 2% कमीशन प्लान से हटा ली हैं और उनमें एज यूजुअल जो कमीशन चार्ज होता है अमेजॉन अब सेलर से वही चार्ज कर रहा है। और ये इतनी जल्दी डिसीजन ये लोग ले रहे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है कहो उसी दिन से ये पॉलिसी अप्लाई हो जाए, जैसा अमेजॉन ने किया है। अब उसी को देखते हुए फ्लिपकार्ट भी पीछे रहने वाला नहीं था। फ्लिपकार्ट ने भी अपने सेलर्स को मेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया है कि भाई अब हम 0% जो हमारा प्लान है उनमें से बहुत सारे वर्टिकल्स को या कैटेगरी को हमने एक्सक्लूड कर दिया है या वहां से इनएलिजिबल कर दिया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बड़े अपडेट बताने वाला हूं। एक तो ये 0% प्लान का लेके है और दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि फ्लिपकार्ट अब एक नया प्लान लेके आ गया है जहाँ पे जो सेलर्स का टियर है वो 90 दिन में ना चेंज होने के बजाय 15 दिन में भी चेंज हो सकता है, बशर्ते उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो फ्लिपकार्ट सेलर को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या प्लान है फ्लिपकार्ट का, कैसे ये 0% प्लान वो कैंसिल कर रहा है और कैसे आप अपने टियर को 15 दिन के अंदर ही रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट 0% कमीशन की। फ्लिपकार्ट ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया है कि 10 फरवरी मीन्स 9 फरवरी रात 12 बजे से वो अब बहुत सारी कैटेगरी में 0% कमीशन हटा चुका है। मैं आपको सारे लिस्ट दे रहा हूं, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करें कि कितनी कैटेगरी को 0% प्लान से एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हैं जिनको इनएलिजिबल कर दिया गया है। इसीलिए मैं पूरा आपको दिखाऊंगा तो वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सारा लिंक आपको दे रहा हूं और आप जाके देखें आप जिस कैटेगरी में सेल करते हैं या वर्टिकल में सेल करते हैं अब आपको 10 फरवरी 2022 से कितना कमीशन देना पड़ेगा। वैसे मैंने देखा है बहुत सारी कैटेगरी फ्लिपकार्ट ने रिमूव कर ली है और वहां पे पूरा कमीशन आपसे लिया जाएगा, इसीलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लें और उसी के अकॉर्डिंग में आप अपना सेल प्राइस आप डिक्लेयर करें, जिससे आपको प्रॉफिट हो, नुकसान बिल्कुल ना हो। बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, और वो है कि फ्लिपकार्ट एक नया प्लान लेके आ गया है जिसमें वो 15 दिन के अंदर ही सेलर्स के टियर को रिफ्रेश कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस प्लान की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो शायद स्मॉल सेलर या मीडियम स्केल सेलर को देख के नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि इसकी जो मेजर टर्म्स एंड कंडीशन रखी है वो थोड़ी अजीब सी है। पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट का जो ये प्लान है वो ये है कि अब वो हर महीने, जैसे मान लीजिए फेब चल रहा है तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक वो आपको इवेल्युएट करेगा, और अगर आपकी जो नेट जीएमवी है वो लगभग 1 करोड़ की है तो आपको गोल्ड टियर में प्रमोट कर दिया जाएगा।
और एक बार आप गोल्ड टियर में चले गए तो उसके बाद फरवरी में जितने दिन बचे हैं उतने दिन आप गोल्ड टियर को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही एक मार्च आएगा फ्लिपकार्ट आपको अगेन इवेल्युएट करेगा। अगर आप परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, अगर आप परफॉर्मेंस को नहीं मेंटेन कर पाए तो फिर आपको एक मौका और दिया जाएगा। 1 मार्च से 15 मार्च तक फिर आपको मौका मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आप फिर से क्वालिफाई होते हैं तो 15 मार्च के बाद फिर से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो GMV है वो काफ़ी ज़्यादा रखा है इन्होंने, क्योंकि बेसिकली ये टीयर रिफ्रेशिंग का जो प्लान लेके ये आए हैं वो गोल्ड और डायमंड टीयर के लिए लेके आए हैं। अगर आपको डायमंड में जाना है तो आपको 10 करोड़ का GMV करना होगा। उसके साथ में बहुत सारी टर्म्स कंडीशन हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आपका टियर अब 90 दिन के बजाय फ्लिपकार्ट 15 दिन में ही चेंज करता रहेगा। मीन्स कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट हर महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको इवेल्युएट करेगा और 15 तारीख से लेके रेस्ट ऑफ द मंथ आपको वो बेनिफिट देगा जो बेनिफिट के आप हकदार होंगे। लेकिन ये ओवरऑल गोल्ड और डायमंड टियर के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए ये स्मॉल सेलर या मीडियम स्केल सेलर के लिए फिलहाल अभी यूजेबल नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 1 मार्च 2022 से फ्लिपकार्ट अपने टियर का जो पेज है वो चेंज कर दे रहा है। अब आपको एक नए पेज में अपने टियर या अपने परफॉर्मेंस इवेल्युएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 1 मार्च से हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चेंज कर दिया है और अब आपका जो परफॉर्मेंस ओवरव्यू है वो काफ़ी आपको बदला हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट ने शायद एक बार फिर स्मॉल स्केल सेलर और मीडियम स्केल सेलर को इग्नोर कर दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं और जो भी लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं क्लेम नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे कस्टमर रिटर्न्स थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बशर्ते आप ये कर सकते हैं कि आपके वो रिटर्न्स जो RTO नहीं है, मतलब जिसको कस्टमर वापस कर रहा है, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके प्राइसिंग को बैलेंस करके जो प्रोडक्ट आप रियल में भेज रहे हैं वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करानी है फ्लिपकार्ट के। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका RTO तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि RTO में तो आपका प्रोडक्ट रास्ते से ही इन ट्रांजिट से ही कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे अपने प्रोडक्ट में, तो आपका जो है जो कस्टमर रिटर्न है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट ने आपको छूट दे दी है। अब ग्रीन पैकेजिंग का कोई मैंडेट नहीं है, आप बहुत आराम से जो चाहें वो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चूंकि वहाँ पे नया कानून है तो वहाँ पे जितने भी लोग सेल करते हैं और जितने भी ऑर्डर वहाँ पे जाएंगे वो लोग फिलहाल अभी भी ग्रीन पैकेजिंग ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो RTO होता है, जो कोरियर रिटर्न होता है, उसको कंट्रोल करना सेलर्स के हाथ में नहीं होता है, उसको कंट्रोल करना इन मार्केट प्लेसेस के हाथ में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।